नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो वैज्ञानम नमो लोई सब शुद्धात्मान मणिकांतम साधमुक्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्धार्थम संदृष्ट अर्थ प्रकाशम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वरी मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्वाम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पागल को ये नहीं लगता ये हमारा पागलपन है, अज्ञानी को भी ये नहीं लगता ये हमारा अज्ञान है, क्रोधी को भी ये नहीं लगता ये हमारा क्रोध है, उसे ये थोड़ी लगता है हमारा क्रोध है, वो तो ये सोचता है हम एक व्यवस्था है हमारी, अनुशासन है। क्रोधी को अगर ये लगने लगे क्रोध है तो दूर होने का उपाय है, इसीलिए जीवन में क्रोध दूर नहीं हो पाता। मानी को ये लगता ही नहीं ये हमारा मान है, वो उसको बिना मानता है, पधारिए ये बिना मानते तुम। भाषा में लोच नहीं है, भाषा में सरलता नहीं है, भाषा में कोमलता नहीं है, बात नहीं। मानी को ये नहीं लगता ये हमारा मान है, यही तो सबसे बड़ी भूल है, यही अनंतानुवंदी। अगर ये लग जाए ये हमारा मान है तो दूर होने का अवसर है। गलती करते हुए भी हमें यही नहीं लगता ये हमारी गलती है, गूंगापन होने पर भी हमें लगता ही नहीं ये हमारी मायाचार है। शास्त्र सुनना नहीं आता, लोभी को ये लगता ही नहीं ये हमारा लोभ है। एक बार क्या हुआ, एक मजदूर नींव खोद रहा था, उसमें चीटा निकल पड़ी। हमने कहा भैया देखो, अरे महाराज कहाँ लो देखें, ये तो हमारा धंधा है, ये भैया चीटाओं को मारना ये धंधा है, कसाई को अपना काम करता है तो वो धंधा ही मान रहा है, ये हमारा धंधा है, ये हमारा भोजन है, ये हमारा फलाना है, ये हमारे सुख हैं, ये सुख नहीं है, ये हमारे पाप है। अभी यही ये चर्चा चल रही थी सियादवाद की, समझ गए हम क्या कह रहे हैं। वो जिसको तुम बिना मान रहे वो भी तुम्हारा मान है, जिसको तुम संतोष मान रहे हो वो भी तुम्हारा लोभ है, कुछ पता नहीं तुम्हें। सादगी और सरलता त्याग मान रहे वो भी राग है। भाई देखो, विपरीतता होती है तो पूरी विपरीतता होती है, सम्यक होता है तो पूरा सम्यक होता है। सम्यक तो और मिथ्या तो, माने सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन एक साथ नहीं हो सकते। चारित्र में राग और वैराग्य तो एक साथ हो सकते हैं, होते ही हैं निचली भूमिका में, चौथे गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक चलते जाओ आप, तो राग का अंश भी है। और समन्तवत क्या नाम अमृतचंद स्वामी कहते हैं, पढ़े भी गाथाएं प्राकृत की अपेक्षा कह देते आर्या छंद बोलते हैं, एनान सेन सुदृष्टि तेनान सेन बंधनम नास्ति। वहां तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लिखा ऊपर में, और नीचे लिखा एनान सेन सुदृष्टि तेनान सेन और एनान सेन रागम। जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है, जितने अंशों में सम्यक ज्ञान है उतने अंशों में निर्बंध है, और जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है। तीनों में राग 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 लिखा, जितने अंशों में सम्यक चारित्र है उतने अंशों में बंध है, और जितने अंशों में सम्यक चारित्र राग है उतने अंशों में बंध है। सम्यक चारित्र और राग एक साथ रह जाएंगे, वो मिथ्या तो सम्यक तो एक साथ नहीं होंगे, अनंतानुवंदी राग नहीं होगा। वहां पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याखान राग नहीं होगा, और अनंतानुवंदी राग नहीं होगा तो जिद भी नहीं होगी कि जिसे हम बिना मान बैठे हैं वही मान है, जिसे हम
सरलता मन बैठी मुंह फट हो गई, सरलता की नाम पर जो मन में आया सुके बैठी, ये सरलता नहीं है, ये कुटिलता है। कहा था ना भूलापन अलग है और सरलता अलग है। अपने जीवन में बराबर ध्यान रखना, जरा जरा सी बातों को तूल मत देना कभी। पहले तो कसाय हो न पाए, कसायों के प्रसंग मत बनाना। कसाय के प्रसंग कैसे बनते हैं उन बातों पर सोचना, और अगर कसाय आ भी जाए तो कसाय को लंबाय मन मत करना, एक जगह कसाय दूसरी जगह मत निकालना, वहीं की वहीं खत्म कर देना। अरे भैया यहां क्यों रखी, रखी है बस खत्म मामला। अब समझने वाला हो तो समझाओ, नहीं समझने वाला हो तो वो रोज रखेगा, वो ऐसे ही करेगा। इस मानी का मान ये और बड़ा विचित्र है, अगर कोई कुछ न कहे, बहिरात्मा का लक्षण है, अगर बाहर का दंड न मिले तो दंड ही नहीं मान रहा। बाहर का दंड दो बहिरात्मा माने, और इतना तीव्र कसाई बहिरात्मा, बाहर का दंड आज यही सुना रही थी सवेरे। एक लड़का कभी कोई प्रसंग बना होगा, डांट दिया होगा, निकाल दिया होगा, उसके बाद फिर छात्रावास में रख लिया। बड़ी अच्छी तरह उसने प्रचार किया, पूजन की, जो कुछ हुआ सो हुआ, और उस पर लटक गया पंखे पर, मर गया। जीवन में नियम बनाना, कठोर दंड मत देना, कठोर वचन मत बोलना, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तय, सांच जबाहर खोल, सतबादी जग में सुखी। जो मानेगा वो इशारे में ही मान लेगा, और नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, जिद करेगा नहीं माने। अब तो मनवा नहीं पाओगे, कहां मनवा पा रहे हम, कहां मनवा पा रहे, एक शब्द नहीं मान पा रहे, एक बात नहीं मान पा रहे, बस रूढ़ी की क्रियाओं में मगन, रूढ़ी क्रियाओं मगन, और मान रहे हम तो आज्ञा हम चल रहे। जो छह छह महीने शास्त्र नहीं सुन रहा वो भी यही सोच रहा है हम आज्ञा मान रहे। हमारी आज्ञा शास्त्र सुनना है, शास्त्र न सुनो ये आज्ञा है। अब चुप बोलना ही नहीं, अब नहीं बोलना तो कौन समझा सकते, नहीं सुन रहे। उसकी नहीं कह रहे जो नहीं यहां बैठा है, जो यहां बैठी है नहीं सुन रहे तो नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे। धीरे 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 एक पकड़ लीजिए तो कुछ कि तुम कैसे रहो, जो कुछ कहना हो, और हम जो कैसे चलना है, जैसे करना है, जो सोचा है बस वही है, बस करना। देखो दूरियां बढ़ती जाएंगी, कर्म के उदय आएंगे, खत्म मामला, बस खत्म, यह बस और कुछ नहीं होगा। इसका फल क्या होगा इस बात को सोचो, गंभीरता से सोचो। हम क्यों दृष्टांत वीर वीर देते, पानी तो बरसेगा लेकिन जिनका घड़ा उल्टा होगा उनके में एक बूंद नहीं आएगा। अहंकार आएगा कि हम समझ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम दो कैसे रोज सुनते हैं, हम तीन कैसे रोज सुनते हैं, हम चार कैसे रोज सुनते हैं। अच्छी प्रभावना होगी, बड़ी खुशी है, अरे भैया अब क्या प्रभावना और क्या खुशी और क्या कह दें, वो कैसा है बढ़िया, वैसे ही भूले फिर रहे। ठीक है, अच्छी बात है, वो हम ये नहीं कह रहे। और जब हम कह रहे हैं क्या करें, कैसे जाए, कैसे करें, बस वही चुप। उसके लिए के परिवर्तन के लिए कोई गुंजाइश नहीं, हो जाए तो बहुत बढ़िया, तो बसरे लेने के लिए हम हुए। भैया सोचो और समझो, प्रभावना में भावना शब्द है, अगर भावनाएं नहीं जुड़ेंगी, और भावनाएं कभी भावनाएं नहीं होती,
अभी कहा था ना, जब अनंतानुमंदी कसाय टूटेगी तो अनंतानुमंदी के कार्य भी टूटेंगे। ऐसा नहीं है अनंतानुमंदी कार्य नहीं टूटेंगे। जब अंदर में विनय भाव होगा तो विनय के वचन भी होंगे, और नहीं तो ये नकली थोड़े ही है। हा मैं अदयाचारी बहुत तस जीवन घात विराधी, ये नकली थोड़े ही है। अगर तुम्हारे मन निकल जाए कभी तो बता देना, अगर कभी निकल जाए, कभी सोते में भी जगते में भी सामने भी पीछे भी निकल भी जाए तो बता देना कभी। और हम यही कह रहे शुरू से कह रहे, कम से कम 10 साल हो गए कहते कहते। आलोचना पाठ की भाषा में आलोचना करना क्यों नहीं आता हमें? पुस्तक में देख देख करके पाठ तो कर लेते, गा लेते आनंद से, लेकिन क्यों नहीं आता? सोचिए आप, ये रूखापन क्यों है? ये सोच नहीं पा रहे। ये सोच रहे हमारे ये सरसता है, ये ज्ञान है, शुष्क ज्ञान है कि ज्ञान है? ये सोचो। हम तो कह रहे, हम तो दोनों को मानते हैं। अरे वे प्रभु, दोनों को उपाधेय मानने वाला भी व्यवहारी होता है। अभी स्यादवाद की चर्चा चल रही थी, आत्मा सर्वथा शुद्ध नहीं किसी अपेक्षा से ही शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा। क्या प्रयोजन है, क्यों कह रहे? वितरागता के लिए। स्वभाव के से अपेक्षा शुद्ध है माने शुद्ध पर्याय के लिए स्वभाव का ही आश्रय करना, पर का आश्रय मत करना। परंतु स्वभाव को न जानते हुए पर्याय में अशुद्धता है माने अपनी गलती अपनी भूल एकदम स्वीकार कर लेना एक सेकंड में। सोच कर बताएंगे ऐसा नहीं, एकदम जो जितनी जल्दी बिना समझे नहीं समझ करके। शास्त्र में लिखा है जिस प्रकार दृष्टांत की दृष्टि पुरानी न पड़े तब तक, ये अभ्यास ही लिख दिया होगा, पढ़ जाओगे गा जाओगे रट लोगे याद कर लोगे। हम अपनी अशुद्धता के कारण होने वाले दोषों के कारण होने वाले दुख के लिए दूसरे को कारण क्यों मानते? बताओ, जब व्यवहार एक नैसे अशुद्ध है क्यों कह रहे हैं? ये नागादिक के होने ये अशुद्धता का कारण क्या है? उसका कारण भी पर नहीं है, योग्यता ये प्रत्यामर कारण। मतलब कभी ज्ञानी के जीवन में देख भी लो तो ये सोचो इस समय इसकी ऐसी योग्यता ठीक हो गया, उसका अभिप्राय नहीं है, लेकिन अपने लिए सफाई देने लगे। अरे स्यादवाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम कछु खबर नहीं है, का कह रही का लिखी है? स्यादवाद का फल वितरागता है। स्यादवादी विवाद में नहीं पड़ता, दुर्जन में भी मध्यस्थ रहेगा, विरोधी में भी मध्यस्थ रहेगा। दुखी के प्रति करुणा तो आएगी लेकिन विरोधी में भी मध्यस्थ रहेगा, स्यादवादी होगा। जहां स्यादवाद ज्ञान वाणी में आएगा तो अंतर में सिद्धांत जब हुआ स्यादवाद का, स्यादवाद से जिन्होंने वस्तु का स्वरूप समझा उसके अंदर में क्या होगा बता? सम्यक पना होगा कि नहीं होगा? वितरागता आएगी कि नहीं आएगी? और तुम किसी अपेक्षा शुद्ध है, किसी अपेक्षा शुद्ध है तो है कैसा जी तो बता। और अशुद्ध किसी अपेक्षा है तो वो अशुद्धता मिटाने लायक है कि नहीं? वो कैसे मिटेगी वो सोचो। किसी अपेक्षा ही अशुद्ध है, सर्वथा अशुद्ध नहीं है। और ये अशुद्धता पर के द्वारा नहीं मिटाई जा सकती, पर के आश्रय से नहीं मिट सकती। ये जीव अशुद्धता को पहले तो स्वीकार ही नहीं करता, पर को स्वीकार कर रहा है।
लेकिन कदाचित अशुद्धता को स्वीकार भी कर ले, भैया क्या करे, हमारी कथा है। अरे तो तुम्हारी कथा है, कथा है तुम्हारी नहीं है, कथा है अन्य तुम अन्य हो कथनचित। अरे भैया ये तिल का दाग नहीं है, ये कोयले का दाग है, मिट सकता है। तिल हो तो नहीं मिटेगा, कोयले का दाग लग गया तो मिट जाएगा। कपड़ा कचरा नहीं हो गया, कपड़ा मैला हो गया। मैल कपड़े की पर्याय नहीं है, और मैला समझ करके धोना अशुद्ध पर्याय से अशुद्ध है, माने ये कलंक है, दूर करने लायक है पर्याय की अशुद्धता। अब आगे कभी बोलोगे नहीं बोलोगे, किसी अपेक्षा शुद्ध है, किसी अपेक्षा शुद्ध है, बस हो गया। अरे ये अशुद्धता मिटाने लायक है, और ये अशुद्धता मिटाने का एक ही उपाय है, दो नहीं है, क्या? शुद्ध स्वभाव का आश्रय। अशुद्धता मिटाने के लिए एक ही चरण है, क्या? जिसमें अशुद्धता हुई ही नहीं है, प्रविष्ट ही नहीं हुई है, जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है, किंचित अशुद्धता है ही नहीं, वो शुद्ध स्वभाव का आश्रय करो, वही मिटाएगा। अशुद्धता कौन मिटाएगा? अंधकार कौन मिटाएगा? जिसमें अंधकार नहीं है वही अंधकार मिटाएगा, जिसमें अंधकार है उसको अंधकार कैसा मिटाएगा? एक पत्थर धर दो अंधेरे में तो उजाला थोड़ी हो जाएगा, हीरा धरे तो उजाला हो जाएगा। जो जिसमें अंधकार नहीं है वही अंधकार मिटाने में निमित्त हो सकता है। जिसमें अज्ञान नहीं है वही ज्ञान ही होने में निमित्त भी हो सकता है, उपादान भी वही होगा जिसमें अज्ञान नहीं है। तो आत्मा में अज्ञान नहीं है तो आत्मा तो हो गया उपादान ज्ञान का, अज्ञान मिटाने का। और जिसमें अज्ञान नहीं है ऐसे ज्ञानी के वचन ही उसमें निमित्त हो सकते हैं, अज्ञानी के वचन निमित्त भी नहीं होंगे, नहीं होंगे। मन ही उसका गवाही नहीं, अच्छी बातें कर रहा है ऊपर से और इसके आचरण में है ही नहीं, भाव में भीतर ही नहीं, अब प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या होगा उसका निमित्त कौन होगा? ज्ञान स्वभाव ही उपादान है और ज्ञानी के वचन ही उसमें निमित्त है। जब तक इसलिए पहले ज्ञानी होना, प्रथम दुख दूर करने का उपाय आपा पर का ज्ञान अवश्य होना। अब नहीं छोंके, अब दरअसल भूल तो ये हो गई, हमने मान लिया अपने तो ज्ञानी, हम तो ये अज्ञान है ही नहीं, क्या गलती है हमारी, हमारी क्या गलती, बच्चे ही समझ ले जिंदगी भर। भूल निकालने के लिए थोड़ी आ रहे, पुष्ट करने के लिए आ रहे अपनी कथाएं। सियादवाद का ये मर्म कैसे समझोगे? मर्म क्या है? वितरागता। सियादवाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम, और ये भी दोनों साधन ही कहे। सियादवाद कौशल और निश्चल संयम, ये भी साधन ही है। अब आगे चलो, क्या करता है? सियादवाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भावयत स्वयमपि स्वमिहेत, मतलब जिंदात अखंड रूप से वह अपने आत्मा को भाता है, माने पर्याय की अशुद्धता को दूर करने के लिए वह शुद्ध स्वभाव को निरंतर भाता है, वह त्यागवादी है। उसने पर्याय की अशुद्धता समझी, हम ये पूछ रहे हैं, तुम सोचो स्वभाव शुद्ध है और शुद्धता के लिए सामने वाले से याचना करो, तुम सोचो पर्याय में अशुद्धता है, और जब तो ये तो डायग्नोस हो गया ना, प्रवचन में कहा था, एक
तो क्या करें, हमारी बड़ी पाप का उदय, पाप का उदय है तो पाप मत करो, ये हो गया नहीं तो पाप छोड़ेंगे नहीं, पाप के उदय को रोएंगे, हमारी पाप का उदय, हमारी पाप का उदय, ये पागल बनाती हो, मायाचारी करती हो, मन कसाय का प्रदर्शन कर रहे हो तुम, तुम्हारी पाप का उदय है नहीं अभी, जिस दिन उदय आएगा इन परिणामों का उस दिन देखना क्या पाप का उदय आता है, अभी तो कुछ पाप का उदय नहीं है, रहने को मकान है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा, चार आदमी प्रशंसा कर रहे, मान रहे, पूछ रहे, अब काय को पाप का उदय है, तो पाप का उदय देखो जा करके फुटपाथ पर पड़े सैकड़ों, शरीर में रोग भरे बिलख रहे हैं, कोई दया करने वाला भी नहीं हुआ, तुम्हारी तो एक इच्छा पूरी नहीं हुई, 100 इच्छा पूरी हो जाए, एक इच्छा पूरी नहीं हो तो पाप का उदय, टेंशन ले दौड़ रहे फालतू पागल में, हमें टाइम ही नहीं है, हमें टाइम नहीं मिलता, अब जो बताओ एक एक को टाइम दें तो हम क्या कर पाए, कैसे कर पाए बताओ, हम तुम्हारी कविता देख लेंगे, हम अपनी डायरी देख लें, उतनी देर में हम अपनी नहीं देख लेंगे, जे देख लियो, जे कर लियो, जे कर लियो, जे कर लियो, बस आदेश है, अब लगता ही नहीं हम आदेश दे रहे, हम क्या कर रहे, अपनी सुनाया तो और कहीं पूछा था, सोचो, अरे भाई अधिकार को कर्तव्य की झोली में गिरते हुए देखो, अधिकार की भावना रखोगे तो धिक्कार मिलेगा, तुमने कहा पधारिए, हमने हम नाराज हो गए कि नहीं हो गए, क्या मिला तुम्हें बताओ, बताओ क्या मिला, सोचो विचार करो, मन के फल में अपमान मिलेगा, अधिकार के फल में धिक्कार मिलेगा, तिरस्कार के फल में तिरस्कार मिलेगा, उपेक्षा के फल में उपेक्षा मिलेगी, ये हमारे परिणाम का फल है, अब इसको मानोगे क्या, ये इनके इनका क्रोध है और ये हमारी विनय, बस ये भूल है इसलिए नहीं मिट पाई, कभी नहीं मिटेगी, जिंदगी में नहीं मिट सकती, ये हमारा कार्य है, स्यादवाद का फल वितरागता है, वितरागता से जोड़ते हुए स्यादवाद को समझो, और वितरागता का फल क्या होगा, आनंद, अब का फल चाहिए वहां, इतना प्यारा कलश है स्यादवाद कौशल सुनिश्चल संयम अभ्याम, स्यादवाद की कुशलता और निश्चल संयम के द्वारा जो अपने आत्मस्वरूप को निरंतर भाता है वह जी परम पद को पाता, परम सुखी होता है, समझाने की चेष्टा मत करो, 10 बार कह चुके, समझने का उपाय करो, लेकिन नहीं समझाएंगे हर आदमी, समझने की चेष्टा नहीं करेंगे, सुनाने के लिए तैयार और सुनने के लिए तैयार नहीं, क्या कही हम, हमने सुनी नहीं, तुम सुनते ही कहो, अब नहीं बोलेगा कोई जिंदगी बनने, जिंदगी में नहीं बोल सकते, बस आप अपने को सर्वेक्षण करो, आत्मनिरीक्षण करिए, अब क्या हो गए 8-15 दिन हो गए निरीक्षण, अब अपनी रूढ़ी क्रिया रहेगा जो होती रहेगी, हो जाएगी तो ठीक है, नहीं हो जाएगी तो नहीं सही, कौन ये कोई धर्म का अंग है, देखो भैया क्रियाओं में धर्म नहीं है, छह उपशम की बौद्धिक व्यायाम में धर्म नहीं है, समय सार की बातें सुना रहे हम तुम्हें, जो निरंतर रोज प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करता है वह संयमी है, वह ज्ञानी है, वह धर्मात्मा है, निरंतर
हमने आपको, अरे अच्छा घर वही माना जाता, रोज झाड़ू लगाते कि नहीं, रोज कपड़े बदलते, रोज धोते कि नहीं धोते, तो फिर आलोचना रोज क्यों नहीं कर, रोज रोटी खाएंगे, रोज झाड़ू लगाएंगे, रोज नवटने जाएंगे, रोज नहाएंगे, तो फिर आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान रोज क्यों नहीं करोगे। वो कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, वो चाहे अभी हम पूछ रहे करते हो कह नहीं, हमारे करते हो कह नहीं, फलाना करते हो कह नहीं, अब नहीं करते तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे बदले हम थोड़ी खा लेंगे, तुम्हारे बदले की रोटी हम खा लेंगे क्या, तुम्हारे बदले की दवाई हम थोड़ी खाएंगे, दवाई औषधि तो तुम्हें खानी पड़ेगी, पचानी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। जब तुम अलग से विचार करते हो, ऊपर अलग अलग विचार करते रहते हो, गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार नहीं विचारते तो वो वचन हृदयंगम होंगे कैसे। उन्होंने बता दिया ना, ये मान रहे हमारी विनय है और वो मान रहे हमारी कथा है, और नहीं मान रहे हो तो बता दे कि नहीं मान रहे, यही कहोगे, हाँ यही कहोगे नहीं मान रहे, हमें मालूम है यही कहोगे नहीं मान रहे और यही माने, आप तो कुछ नहीं कहना देते, कुछ नहीं कह रहे, हम कहने क्या दें, तुम स्वीकार नहीं करना चाहिए भूल, जिंदगी भर अनजान बने रहना ये कोई उपाय नहीं है, अनजान बन करके अलग हो जाना ये कोई उपाय नहीं है, अनजान बनती हमें मारो ही नहीं, हमें ध्यान ही नहीं, हम जानते ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। कल ही तुम्हारे दृष्टांत क्या दिया था बताओ, वो कहानी सुनाई, वो छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को कुएं से कैसे निकाल दिया, वहां ये कोई कहने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर पाओगे, आत्मविश्वास पर चोट करने वाला नहीं था, उल्टी उल्टी बातें करने वाला नहीं था, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, बताओ इतनी सी बात थी, मूल बात है ये, पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय से ऐसे अशुद्धता है उसे स्वीकार करके दूर करने का उद्यमी होना है, हमारी गलती है, हमारा मान है, ये कहने से थोड़ी क्रम चलेगा, क्यों भैया तुम्हें बुखार है, हाँ हमें बुखार है, ये कैसे से क्रम चले, वो बुखार है तो आराम करो, बुखार है तो कड़वी औषधि खाओ, बुखार है तो लंगन करो, कहना पड़ेगा कि ये नहीं नहीं हमें बुखार है, अब बुखार है तो कई से काम चले, और घूम फिर रहे हो कचौड़ी खा रहे, बुखार के क्यों झूठ बोल रहे, बुखार मानते होते तो क्यों, एक नैसी आत्मा अशुद्ध है, व्यवहार नैसी अशुद्ध है, ये जानकर के अशुद्धता दूर करने का उद्यम तो होना चाहिए, दूर करने की भावना आना चाहिए, हीन भावना तो नहीं आना चाहिए ज्ञान से, ज्ञान का फल हीनता नहीं है, ज्ञान का फल लघुता है, ज्ञान का फल अभिमान नहीं है, ज्ञान का फल प्रभुता है, ज्ञान घबराने नहीं देता, पर्याय की अशुद्धता को दूर करने का उपाय करना, और करने से पहले सोचना समझना क्या ये अशुद्धता स्वभाव को जाने हुए बिना हुई है, स्वभाव से विमुख रहने पर हुई है, स्वभाव के सन्मुख होने पर ही मिटेगी, कोई उपाय नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति, अन्य किसी प्रकार से अशुद्धता को मिटाना चाहे, थोड़ा सा रूप बदल जाएगा और मान लेगा हमारे परिणाम तो शुद्ध है, हमारे तो बहुत बढ़िया परिणाम रहते हैं,
लेकिन उस पर्याय की अशुद्धता स्वभाव को जाने बिना हुई है, वो अशुद्धता स्वभाव को सन्मुख हुए बिना नहीं मिटेगी। बताते हैं ललतान कुमार चोर क्यों बन गया, पिता की अवज्ञा से, और अंजन निरंजन कैसे बन गया, जिन आज्ञा के पालने, जिन आज्ञा के श्रद्धान के बल से। वो सोच भी नहीं पाता कि हम निरंजन बन सकते, कोई चोर सोच सकता है हम निरंजन बन सकते, लेकिन अंजन चोर निरंजन बन गया किसे है तुम क्या का बकता। तो ये शंका होती है सेठ के वचनों में, नान्य था बाजनो जिना, इतने सी श्रद्धान के बल से वो उसने छींके काट दिए, आकाश गामिनी विद्या सिद्ध हो गई, सेठ के पास पहुंचा निर्वांचक भाव से, और सेठ से कहा बताओ क्या करें। मुंडाज के पास पहुंचा, दीक्षा ली और अपना कल्याण कर दिया। तार पार का काम है, बहुत ज्यादा सोचने का ना काम नहीं है, दीर्घ सूत्री बिना सके इतना सोचोगे और सो भी निगेटिव सोचोगे कि वो कर ही नहीं पाओगे। अरे भैया वो तो बहुत कठिन है, बस खत्म मामला, ये तो किताब से गेल ही नहीं है। यही तो कह रहे हैं गेल कितनी है मोक्ष की, मोक्ष मार्ग कितना है आत्मा से आत्मा तक, बाहर नहीं भटकना है। विचारना, ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध रूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, दिन बाणी भारती तो ही जपूं दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, वाणी के ज्ञान के सूझे जो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।